हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन धतरवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे काफी जनरल टॉपिक के बारे में कि यार हर बच्चा चाहे कोई कैसा भी बच्चा हो वो एक पॉइंट पे बात थक जाता मतलब कि भाई अब मेरे से और पढ़ाई नहीं होगी, मैं ये कहाँ फंस गया, ठीक है ये बोर्ड एग्जाम किसने बनाया था, ये जेईई मेंस किसने बनाया था, या फिर आप पढ़ रहे हो काफी देर से तो आपको नींद से आने लग जाती है, आप कुर्सी पे बैठे नहीं कि आपको नींद आ रही है। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चार टिप्स बनाई है, शायद चार या पांच। जो लास्ट वाली टिप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो पहला पॉइंट है यार वो ये है कि आपके यार मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 12 के बच्चे हो, पूरे दिन आप रटते रहते हो, नई नई चीजें सीखते रहते हो, तो आपको आपके ब्रेन को 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। 4 से 5 घंटे में आपका कुछ नहीं होगा, आपको 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है यार कि आपके सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, यूं नहीं कि किसी दिन 9 बजे सो रहे हो, कभी 10 सो रहे हो, कभी 11, कभी 12, कभी 2 बजे सो रहे हो, नहीं, एक फिक्स टाइम पे सो। क्या टाइम होना चाहिए, ये चीज मैंने एक पहले वीडियो में भी बताई थी, या तो बहुत जल्दी सोने जाओ कि जैसे ही डिनर किया 8:30-9 बजे सोने चले गए और उसके बाद सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर लेट सोने जाओ कि रात को 1 बजे तक आप पढ़े, 1 बजे आप सोए और सुबह 7:30-7:30 बजे उठ गए। तो इन दोनों एक्सट्रीम में फायदा होता है यार, जो इनके बीच का टाइम होता है वो उतना अच्छा नहीं होता सोने के लिए, लगभग 10-11 बजे का। क्यों? क्योंकि लगभग 8:30-9 बजे आपने डिनर किया होता है, उसके 1-1.5 घंटे में तो यार उतना मन ही नहीं करता, नींद सी आ रही होती है, और इतने में 11 बज जाते हैं, फिर आप सोने चले जाते हो, सुबह 6 बजे के करीब उठते हो और तब आपका तैयार होने का टाइम हो जाता है स्कूल के लिए, तो आपको एक साथ 2-3 घंटे नहीं मिलते पढ़ने के लिए। तो इसलिए या तो जल्दी सो या फिर लेट सो, ठीक है, और जो भी टाइम फिक्स करते हो उसी पे ही बने रहो कि अगर 1 बजे सो रहे हो तो 1 बजे सो, उससे होगा क्या यार आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी रोज 1 बजे सोने की, सुबह 7 बजे उठने की, 1 बजे सोने की, सुबह 7 बजे उठने की, तो सुबह उठ के आपको वो फीलिंग नहीं आएगी यार, काफी बच्चे होते हैं ना उठने के बाद भी आलसी होते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है, यूं होता है जैसे कभी कुआं खोद गए हो, अभी दोबारा सोने जाना हो, नहीं, तो एक वो आपने रूटीन फिक्स नहीं कर रखा अपना, उस वजह से वो थकान होती है। अब थर्ड पॉइंट है यार, काफी बच्चे होते हैं जो कि बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, बेड पे लेट के पढ़ने में काफी अच्छा लगता है, पर वो चीज मत करो यार, होता क्या है कि 180-190 किलो के जानवर हो रखे होते हैं, जब इस पोजीशन में बैठते हैं, इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में काफी टाइम नहीं लगता, और साथ में अगर आपकी यार टेबल कुर्सी पर अगर 100% एफिशिएंसी है तो जब आप लेट के पढ़ते हो तो आपकी 30-40% ही एफिशिएंसी होती है, ठीक है, और आधे पौन घंटे में हमें नींद आने लग जाती है, अगर नींद नहीं भी आती तो हम जस्ट अबाउट सोने के होते हैं कि यार अब भाई, तो उसमें क्या है कि एफिशिएंसी हमारी बहुत नीचे चली जाती है, इसलिए ये तो रूल बना लो कि बेड पे नहीं बैठना। काफी लोगों से टेबल चेयर पे नहीं बैठा जाता तो वो जमीन पे वो बट बिछा के मैट और जमीन पे बैठ जाओ, पर बेड पे मत बैठो, ठीक है, ये बहुत खराब चीज है। फोर्थ पॉइंट है यार वो ये है कि जब आप एक पोजीशन पे काफी देर से बैठे होते हो, चाहे टेबल कुर्सी पे बैठे हो या जमीन पे बैठे हो, तो क्या होता है हम फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे होते, तो उस केस में हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है और हमारी दिमाग में उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और हमें लेजीनेस होने लग जाती है। सिमिलरली जब आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो तो हमारी बॉडी का सारा ऑक्सीजन पेट में चला जाता है डाइजेस्ट करने के लिए और दिमाग में उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और हमें लेजीनेस होने लग जाती है। तो दोनों चीजें अवॉइड करने के लिए क्या करना है, पहला तो ज्यादा खाना मत खाओ, अगर आपका 100% एपेटाइट है तो सिर्फ 70% ही पेट भरो अपना, ठीक है, कम खाना खाओ, बार बार खाओ, एक बार में ज्यादा खाना मत खाओ वरना नींद आ जाएगी। साथ में जब आपको लेजीनेस हो, टेबल कुर्सी पे 1 घंटे से बैठे, 1.5 घंटे से बैठे हैं, नींद सी आ रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए कुछ एक्टिविटी करो, एक्टिविटी जैसे घर के बाहर गए, 2-3 राउंड मार के आ गए, ठीक है, मौसम भी ठंडा हो रखा है, अच्छा लगेगा, या फिर रूम में ही यार आपने 10 पुशअप्स मारे और 10 सिटअप्स मार लिए, तो उससे क्या होगा यार ब्लड सर्कुलेशन आपका फिर से तेज होगा, आपकी नींद चली जाएगी, ठीक है, ये चीज ट्राई करके देखना, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। जब भी अगली बार से नींद आए 10 पुशअप्स मारो, 10 सिटअप्स मारो और फिर देखो नींद आ रही है या नहीं, नींद बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है, एकदम आप फ्रेश फील करोगे, और बीच बीच में यार अपनी मुंह धो लिया करो, उससे क्या होगा आंखों में ठंडक पड़ेगी, बार बार हम काफी देर से एक ही चीज को देखते हैं तो आंखें भी थोड़ी खराब होती हैं। जो लास्ट पॉइंट है यार वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ में कोई भी काम करना हो, चाहे आपको मोटापा कम करना हो या फिर आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना हो, आप वो तभी कर पाओगे जब उस काम को करने का डिजायर आपको उस काम से होने वाले पेन से ज्यादा बड़ा हो। जब डिजायर पेन से ज्यादा बड़ा होता है तभी एक कोई आदमी एक पर्टिकुलर काम कर पाता है। तो एक पन्ना लो, व्हाइट शीट, और उस पर अपने सारे के सारे डिजायर्स लिखो, ठीक है, कि मेरे को कल को क्या क्या चाहिए, रीजंस लिखो, आप क्या बनना चाहते हो, कुछ भी लिख सकते हो उस पर, स्टूपिड से स्टूपिड चीज, कि भाई कल को मुझे IITs में जाना है या फिर कल को मुझे बहुत पैसा कमाना है, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास एक ऐसी घर होना चाहिए, जो भी आपके गोल्स हैं
उस पे लिखो 10-12 की लिस्ट बनाओ। अब ये लिस्ट बनाने के पीछे यार मेन रीजन ये है कि पूरे यूनिवर्स में आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हो तो उसमें कुछ मैटर होता है, कुछ एनर्जी होती है, और मॉलिक्यूलर लेवल पे वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है। सिमिलरली मैं, आप, ये कैमरा, आपके ड्रीम्स, सब सारी चीजें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती हैं। और रेडियो की तरह जब आप रेडियो को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हो तो आपको पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन सुनाई देने लग जाता है। सिमिलरली जब आप अपने आप को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हो तो इस यूनिवर्स की सारी चीजें जो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट है वो आपके पास आ जाती है, या फिर आप उनके पास चले जाते हो। ठीक है, लाइक वाइब्रेशन, लाइक फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज थोड़ी यार स्पिरिचुअल लग रही होगी आप सभी लोगों को, पर चीजें कुछ ऐसे ही होती हैं। इस सेम चीज को चाहे आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस तरीके से समझ लो कि जब आप अपनी ड्रीम्स को बार बार एक पन्ने पे लिखते हो या फिर बार बार उनके बारे में सोचते हो तो आप कॉन्शियसली उन्हें लिख रहे हो। ठीक है, आप कॉन्शियसली उन्हें लिख रहे हो, तो जब आप एक चीज को कॉन्शियसली बार बार रिपीट करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। जब कोई चीज आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाती है यार, तो होता क्या है, हम दिन में 95% जो काम करते हैं यार वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो जब आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में आपकी ड्रीम्स बैठ जाती हैं तो आप अपने ड्रीम्स की तरफ काम करना स्टार्ट कर देते हो, कुछ इस तरीके से समझो। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है तो ड्रीम्स अपनी लिखो यार। और उससे यूं भी होता है कि यार मेरे ड्रीम्स तो इतने बड़े हैं, क्या मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ या नहीं। और शुरुआत करनी यार सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था, एंड डू टू गेट थिंग्स डन। स्टार्ट करो और उसके बाद डू टू गेट थिंग्स डन काम करोगे यार, तभी चीजें खत्म होंगी। लास्ट में यार एक वही छोटी सी चीज बोलूंगा कि डरना बिल्कुल भी नहीं है यार। क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ का सबसे आसान एग्जाम होने वाला है, जिसमें आप आज तक का सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले हो। आपने सेकंड क्लास में कितना स्कोर किया था, फोर्थ में कितना स्कोर किया था, एट्थ क्लास में कितना स्कोर किया था, टेंथ में कितना स्कोर किया था, ट्वेल्थ के प्री बोर्ड्स में कितना स्कोर किया था, उन सबसे ज्यादा आप ट्वेल्थ के बोर्ड्स में स्कोर करके आने वाले हो। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है यार, फोड़ के आना है, बेबी स्टेप्स लो यार, हर दिन कुछ ना कुछ करते जाना है, कोई भी दिन ब्लैंक मत जाने दो। ठीक है, चाहे बहन की शादी हो, भाई की शादी हो, चाहे कुछ भी आ जाए, पहाड़ टूट जाए, अर्थक्वेक आए, कुछ भी हो, पर वो चीज करनी है, पढ़ना रोज है, कोई भी दिन ब्लैंक नहीं जाने देना। अंदर यार एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके रखना है कि मैं करके आऊंगा, मैं फोड़ के आऊंगा, मैं अच्छा करके ही आऊंगा। ठीक है, दिन रात सुबह शाम अपने आपको ये बताना है, अपने ड्रीम्स एक पन्ने पे लिखो, उन्हें बार बार देखो और बस काम करते रहो, और रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कोई भी डाउट हो तो, एंड बाय।